Dear students, good o'clock all of you. On behalf of Rajmata Anand Kumari Public School, I welcome you all for your Maths Speed session, class 4th, worksheet number 10, question number 1. Let's tell your answer. आप लोगों ने worksheet ये कर दिया रखी होगी. आप check कर लेंगे, match कर लेंगे, जो incorrect हो सकते हैं add कर लेंगे. Question number 1, 2300 plus 7600 goes to 9900. Is the right answer? 9900. Next, question number 7. What is the product of the smallest 4-digit number and 3? तो सबसे छोटा 4-digit का number होता है 1000. और 3 से मल्टीप्लाई करना प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई तो 1000 मल्टीप्लाई विद 3 दैट द राइट आंसर गोज टू 3000. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1300 एंड 850. अगर आपको हम डिफरेंस करेंगे फाइंड करेंगे डिफरेंस देन द राइट आंसर गोज टू 450. Question number 4, 3500 divided by 50. When we divide 3500 by 50, the answer arrived 70. Show the time, 1140 on the clock face. Clock face पर हमें 1140 denote करना है. तो our hand goes to 11 और 20 के लगभग half में. लगभग हाफ से राइट हैंड साइड 12 की तरफ थोड़ा सा अप्रोक्स आवर हैंड 11 और 12 के मिड में बनाएंगे और मिनट हैंड गोज टू ऑन द नंबर 8 बिकॉज मिनट कितने हैं 40. ईच एंड एवरी सेगमेंट 1 2 3 4 हैज 5 5 मिनट इंटरवल. तो 5 10 15 20 25 30 35 एंड 40 40 गोज टू ऑन द नंबर 8. तो मेरे हैंड को किस पर दिखाना है, मैं हैंड पर दिखाना है. ओके, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी टेंस आर देयर इन 6360 में कितने टेंस हैं? तो 80 रिप्लेस करके 636 टेंस हैं इस नंबर. राइट आंसर 636. क्वेश्चन नंबर 7, इफ 20 एप्पल्स कॉस्ट रुपी 60 सॉरी 20 एप्पल्स कॉस्ट रुपी 600 20 एप्पल की कीमत है 600 रुपए हाउ मच विल 50 एप्पल्स कॉस्ट. तो 50 एप्पल्स की कॉस्ट क्या होगी? 20 एप्पल आते हैं अगर 600 रुपए में, तो एक एप्पल की कॉस्ट निकालेंगे यूनिटरी मेथड से. सबसे पहले हम निकालेंगे एक एप्पल की कॉस्ट. 20 एप्पल 600 रुपए के आ रहे हैं तो एक एप्पल आएगा 30 रुपीज का. 600 डिवाइड बाई 20 वी गेट द आंसर 30 रुपीज. एक एप्पल की कॉस्ट हमें पता चल गई यूनिटरी मेथड से. अब हमें निकालना है 50 एप्पल से, तो एक एप्पल की कॉस्ट में हम 50 का मल्टीप्लाई करेंगे 30 मल्टीप्लाई बाई 50 वी गेट द आंसर 1500 रुपीज. How many rupees? 1500 rupees. Okay. Well, question number 8. Arrange 2000, 2345, 4356, 1234, 2890 in ascending order. हमें ascending order arrange करना है. Ascending order means A से start होता है, A B C D. यानी सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, बढ़ते हुए क्रम में करना है असेंडिंग ऑर्डर. अगर होता है यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर तो डी से स्टार्ट होता है, डिसेंडिंग स्टार्ट फ्रॉम डी, तो डी सी बी ए. यानी अपोजिट करना है, सबसे पहले बड़ा नंबर लिखना है, फिर छोटा करना है, छोटा करना. ओके, रिमेन याद रखेंगे असेंडिंग करना है तो सबसे पहले ए छोटा करना है, स्मॉलेस्ट नंबर पहले लिखना है, और डिसेंडिंग करना है तो ग्रेटेस्ट नंबर पहले लिखना है. तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे नंबर असेंडिंग के लिए.
स्मॉलेस्ट नंबर इसमें से क्या है, थाउजेंड डिजिट पर सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट 1234 इज द स्मॉलेस्ट नंबर इन पर्टिकुलर एरर मत दे 1234 नेक्स्ट नंबर 2345 आफ्टर दैट 2890 एंड द लास्ट नंबर गोज टू 4356 क्वेश्चन नंबर 9 डज द लेटर एच हैव अ लाइन ऑफ सिमेट्री क्या क्या इंग्लिश अल्फाबेट का नंबर एच लेटर एच में लाइन ऑफ सिमेट्री होती है यस ऑफ कोर्स व्हाई नॉट एच इज ए सिमेट्रिकल नंबर एच में सिमेट्रिकल लाइन हो सकती है तो यस लिख देना है आपको आंसर में यस क्वेश्चन नंबर 10 राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 8346 8346 तो सबसे पहले हमें 8000 फिर नेक्स्ट 300 प्लस 4040 प्लस वन डिजिट का 6 ऐसे एक्सपेंडेड फॉर्म में हमें लिखना है